हेलो डियर ऑल ऑफ यू, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि हम लोग का लास्ट बॉक्स है। ठीक है, पिछले 11 बॉक्सेस कुछ वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो चुका है। यदि आप उसको नहीं देखे तो सबसे पहले उसको देख लो, फिर इस वीडियो को आना। ठीक, तो हम लोग देखते हैं आज की क्लास में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें फ्यूचर तो रहेगा ही रहेगा, उसका परफेक्ट और कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन रहेगा। क्लियर है? तो चलो देख लेते हैं सबसे पहले इस बॉक्स का स्ट्रक्चर, इस टेंस का स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस बिन। ठीक है, इतना है। शैल हैव या विल हैव प्लस बिन प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? कंटिन्यूअस है, मीन्स फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ऑब्जेक्ट हुआ। उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये है इस बॉक्स का स्ट्रक्चर। थोड़ा सा लंबा है इसका, तो तीनों का देख लिए हैं। फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हम लोग देखे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी देखे, उसमें स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा होता है। बट एक याद रखने का ट्रिक है, यदि आप ऊपर जस्ट ऊपर वाला बॉक्स, मीन्स 12 का 11 वाला बॉक्स देखोगे, तो उसमें बस सिर्फ क्या चेंजेस होता है? बिन लगता है ना? तो इस चीज़ से आप इसको इजीली याद रख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव विल हैव प्लस बिन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और उसमें एनजी लगा देना है, देन ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग को सिंस या फॉर दोनों में से किसी एक को ही लगाना है, और लास्ट में जो टाइम दिया रहेगा हम लोग का सेंटेंस में, उस सेंटेंस को लगा देना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इसमें शैल हैव या विल हैव का यूज आप लोग जान पा रहे हैं, जैसे कि शैल का यूज आई और वी हो तब हम लोग किसका यूज करेंगे? शैल हैव का। क्लियर है ना? और बाकी सेंटेंस रिमेनिंग, इसके छोड़ कुछ भी होगा तो हम लोग क्या लगा देंगे? विल हैव लगा देंगे। और बचा क्या? सिंस या फॉर। सिंस या फॉर को हम लोग पिछले वीडियोस में भी देख चुके हैं कि कब किसको यूज करना है, तो चलो इस वीडियो में भी देख लेते हैं फॉर का। फॉर अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के साथ लगता है। ठीक है, अगर अनिश्चित समय, जैसे कि हम लोग को फिक्स नहीं होता जिस टाइम को बोल रहे हैं, मैं 2 दिन बोल दिया, मैं 2 दिन से खाना खा रहा हूं, तो कौन सा 2 दिन? इतने 2 दिन में 365 दिन में कौन सा 2 दिन है, वो फिक्स नहीं है ना, तब हम लोग उसको अनिश्चित समय बोलते हैं। तो इस टाइप का सेंटेंसेस रहेगा तब हम लोग फॉर का यूज करेंगे। और साथ ही साथ जब इसका ट्रिक लिख देते हैं, साल हो, देखो यहाँ क्या लिखो, जब संख्या के साथ घंटे दिन सप्ताह महीना साल हो, मतलब कोई भी संख्या हो, एक नंबर हो, उसके साथ हम लोग का आज जाए महीना सप्ताह दिन, घंटे दिन सप्ताह, जैसे कि 2 साल 5 महीना 5 दिन, इस तरीका के सेंटेंसेस रहा, तो अब हम लोग फॉर का यूज करेंगे और बाकी के साथ सिंस का यूज करेंगे। तो सिंस का भी देख ही लेते हैं। सिंस, जैसे सिंस का कब करते हैं हम लोग? सिंस का निश्चित समय के लिए, मतलब एकदम फिक्स उसी टाइम के लिए, 2 बजे बोल दिया तो 2 ही बजे, 3 बजे बोल दिया तो 3 ही बजे। ठीक है, निश्चित समय के लिए करते हैं। और साथ ही साथ डायरेक्ट, जैसे कि उसमें तो 2 दिन 3 दिन पहले कब बोल रहा हूँ बोलेंगे, है ना, 2 दिन 2 दिन बाद खाना खाऊंगा, लेकिन इसमें फिक्स है कि दिन भी फिक्स है, सोमवार मतलब सोमवार। ठीक है, कोई महीना तो महीना का नाम फिक्स है, अप्रैल 2020, इस तरीके से इसमें डायरेक्ट उसी का ही
बात समय का ही बात होगा, डायरेक्ट उस एग्जैक्ट का बात होगा, तब हम लोग किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं इस सेंटेंसेस में किस टाइप का सेंटेंसेस रहेंगे हिंदी में, है ना, वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, तब तो उसका फॉर्मेशन करेंगे। तो इस बॉक्स का पहचान रहेगा रहा, रहे, रही, और लास्ट में रहेगा गा, साथ में रहेगा कोई समय। ठीक है, ये है इस बॉक्स का पहचान। तो जैसे कि मैं 2 दिन से खाना खा रहा हूंगा, माँ 2 घंटे से चाय बना रही होगी, वह 2 दिन से दूध पी रहा होगा, मैं शाम से सो रहा हूँगा, मैं अप्रैल से कोचिंग आ रहा हूँगा, इस टाइप के सेंटेंसेस रहेंगे इस बॉक्स में। क्लियर है? तो चलो देख लेते कुछ सेंटेंसेस जिससे आप लोग का ये क्लियर हो जाए। तो जैसे कि तुम 2 दिन से हिंदी पढ़ रही होगी, ठीक, रहा रहे रही हो, लास्ट में गा आ गया, तुम 2 दिन से हिंदी पढ़ रही होगी, तो इसका हम लोग को क्या करना है, इंग्लिश में फॉर्मेशन करना है। अफर्मेटिव देख लेते हैं इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम, और तुम के साथ क्या लगेगा, विल हैव लगेगा, क्योंकि आई और वी के साथ बस शैल हैव लगता है, बाकी के साथ विल हैव रहते हैं। तो यू विल हैव, फिर विल हैव के बाद बिन, फिर वर्ब लगाना है और उसमें आईएनजी लगा देना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है और उसमें क्या लगा देना, हम लोग को आईएनजी लगा देना है। वर्ब क्या है, काम क्या है इसमें, पढ़ना, मतलब रीड, और इसमें लग जाएंगे आईएनजी, तो रीडिंग, फिर देन ऑब्जेक्ट, क्या वो ऑब्जेक्ट क्या, हम लोग को किसको पढ़ रहा है, हिंदी, तो यहाँ हो जाएगा हिंदी। फिर सिंस या फॉर, वो किसके अकॉर्डिंग आता है, इस समय के अकॉर्डिंग आता है, 2 दिन बोले मतलब जब संख्या के साथ दिन हो, संख्या 2 है उसके साथ दिन है, तब क्या लगेगा, फॉर, फॉर, अब टाइम लग जाएगा 2 days, इस तरीके से बनाना है हम लोग को इसका सेंटेंस। क्लियर है ना, ये हो जाएगा यू विल हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 days। क्लियर है? तो इसका नेगेटिव देख लो, नेगेटिव का रूल आप लोग जान रहे हो क्या है, हम लोग को हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। तो ये हो जाएगा यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 days, इस तरीके से इसमें ये हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 days। इंट्रो क्या हो जाएगा इसका, इंट्रो देख लेते हैं, इंट्रो यही होगा कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो सामने आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, तो ये इसको यहां लिख देंगे, बाकी जस का तस। तो विल यू हैव बीन रीडिंग, रीडिंग है तो रीडिंग हिंदी, क्लियर है, फॉर 2 days, ये हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है आप लोग को। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या आ रहा है, नेगेटिव का भी रूल लगेगा और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में तो विल सामने रहेगा और नेगेटिव का रूल क्या है, नॉट लगेगा बाद में सब्जेक्ट के बाद। तो विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 days, इस तरीके से बनेगा, और देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये होगा इसका हिंदी। अब हम लोग एग्जाम में कैसा आएगा, कोई से भी एक सेंटेंस दे दिया रहेगा, अफर्मेटिव दे दिया रहे और बोलेगा हम लोग को नेगेटिव बनाओ,
इंट्रोगेटिव बनाओ, बोल सकते हैं ना। तो आप लोग को उस चीज का ध्यान रखना है कि उसके रूल क्या है। इंट्रो बनाना है तो उस हेल्पिंग वर्ब को सामने रखना है और डन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इस रूल को आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है, तभी आप एग्जाम में कर पाओगे। आप लोग के 10th 12th के एग्जाम में ये ऐसा हिंदी में तो नहीं देंगे, बट इसको देंगे। एक अफर्मेटिव दे दिया तो नेगेटिव बनाने के लिए बोल सकता है, नेगेटिव दिया हो तो अफर्मेटिव, इंटरचेंज वाला क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम्स में आने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग अभी से प्रिपेयर रहिए, अभी से रेडी रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।